आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। दिव्यांशु बुद्धि राजा ने पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता और कालका की विधायक लतिका शर्मा के होर्डिंग को लेकर निगम में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि पंचकुला में जगह जगह बीजेपी की जींद में होने वाली रैली को लेकर होर्डिंग लगाया गया है। सरकार के इशारे पर पंचकुला नगर निगम के अधिकारियों ने हमारी शिकायत पर मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन जब कानून सबके लिए एक है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। दरअसल पंचकुला सेक्टर एक स्थित गवर्नमेंट कॉलेज के कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम का सुरक्षा घेरा तोड़ने के मामले में गिरफ्तार हो चुके बुद्धि राजा पर पंचकुला में अलग अलग दो एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक तो सीएम का सुरक्षा घेरा तोड़ना है और दूसरा शहर में होर्डिंग को लगाना। एनएचयूआई प्रधान दिव्यांशु बुद्धि राजा और हार्दिक ने पंचकुला नगर निगम के कमिश्नर राजेश जोगपाल को शिकायत दी है, जिसमें कहा गया है कि पंचकुला के चौकों पर बीजेपी की जींद रैली को लेकर होर्डिंग लगाया गया है। कानून सबके लिए समान है तो ऐसे में इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। निगम कमिश्नर राजेश जोगपाल ने इस मामले में जांच करने के आदेश दे दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि ये जांच की जाए कि होर्डिंग को लगाने के लिए क्या कोई इजाजत ली गई थी या नहीं, और अगर ली गई थी तो किसके नाम से इजाजत दी गई थी। जी सर, आज आप नगर निगम ऑफिस में आए कंप्लेंट देने, क्या कंप्लेंट है, क्या मामला है? पंचकुला शहर के अंदर कई चौकों के ऊपर और कई सड़क के किनारे बीजेपी की जो एक जींद के अंदर अमित शाह जी आ रहे हैं उनकी रैली होने जा रही है, तो उसके लिए जो पंचकुला के विधायक हैं और लतिका शर्मा जी जो कि हमारे कालका से विधायक हैं, उन्होंने एक फ्लेक्स बोर्ड यहां लगाए हुए हैं और जो कि विदाउट परमिशन लगे हुए हैं। तो हम कमिश्नर साहब से मिलने आए थे, एक रिटन कंप्लेंट दी है, विद उनको प्रूफ दिए हैं फोटोज के, अपना फोटोकॉपी करवा के, कि अगर इनके खिलाफ अगर कोई परमिशन नहीं है इनकी तो इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, और जो पब्लिक डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर ये चार्जेस बनते हैं तो ये चार्जेस उन पर लगाए। आपके खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज हुई थी ऐसे ही मामले में? हाँ जी, तो वही उसी से हम बात करने आए हैं कि अगर एक छात्र के खिलाफ, एक छात्र की आवाज को सरकार दबाना चाहती है तो क्या सरकार अपने एमएल एमपी के खिलाफ भी सेम एक्शन ले सकती है जो एक आम नागरिक के खिलाफ सरकार ले रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मामले में कार्रवाई होती है या फिर सरकार के दबाव के चलते ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। पंचकुला से उमंग शिवरान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।